हेलो दोस्तों दोस्तों आज मेरे पास एक रियलमी का C20 मॉडल है RM3061। और फ़ोन दोस्तों ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। देखिए वाइब्रेट कर रहा है, फ़ोन ऑन हो रहा है। ये देखिए आप लोग को दिखेगा, हो सकता है कि यहाँ पे दिख रहा होगा रियलमी, ठीक है, रियलमी दिख रहा है, लेकिन इसमें लाइट नहीं आ रहा। तो आज इस फ़ोन को हम करेंगे रिपेयर। और दोस्तों हम मैं कैसे रिपेयर करता हूँ, ठीक है, मैं किस तरह से चेक करता हूँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं किस तरह से चेक करता हूँ, किस तरह से रिपेयर करना है। मैं हर एक फ़ोन को किस तरह से जो चेक करता हूँ, किस तरह से उसको ठीक करता हूँ, ये चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस फ़ोन को खोलते हैं और देखते हैं कि है ना किस तरह से ये फ़ोन ठीक हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग के लिए मैं लाता रहूं। तो ये कस्टमर का कहना था दोस्तों कि ये वाटर डैमेज है। यहाँ पे कि ये वाटर डैमेज है, तो जब भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है दोस्तों तो आपको ये देखना है कि आपका जो डिस्प्ले का जो कनेक्टर है वो कैसा है, ठीक है। तो डिस्प्ले का कनेक्टर आप देख सकते हैं दोस्तों, डिस्प्ले का कनेक्टर यहाँ पे बिल्कुल एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, ठीक है, कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लग रहा। तो अभी हमें क्या करना है कि हम बोर्ड को निकाल लेंगे। और सबसे पहले ऐसा नहीं है कि पूरा आईसी में चल जाना है, लाइट आईसी में चेक करना, लाइट आईसी उतारना। सबसे पहले आपको डिस्प्ले में देखना है कि डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले का जो लाइट का पत्ता जो होता है वो ओके है कि नहीं। और वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि उसको चेक कैसे किया जाता है, तरीका क्या है चेक करने का। और एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जैसे दोस्तों, कि कभी भी अगर ये पत्ता अलग अलग हो, ठीक है, अलग अलग हो, तो आपको जो है इस बोर्ड को नहीं खोलना है, ठीक है। और अगर एक साथ में है, देखिए जैसे कि ये एक साथ में है, तो आपको ये बैक पैनल इसका जरूर निकालना है, क्योंकि इसके भीतर जो है ये टच रहता है। हो सकता है हम डिस्प्ले निकालने में जल्दीबाजी में रहते हैं तो डिस्प्ले भी, मेरा डिस्प्ले का जो कनेक्टर होता है वो भी टूट सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर डबल वाला हो तो आपको ये बैक पैनल जरूर उतार लेना है। यहाँ पर भी पानी गया हुआ है, ठीक है, एक कंपन में पानी गया हुआ है, यहाँ पर पूरा पानी गया हुआ है इस कनेक्टर में, देखते हैं। तो ये कनेक्टर में भी जो है, कनेक्टर बिल्कुल साफ है, कनेक्टर में पानी नहीं है। पत्ते को निकालेंगे, और निकालने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पत्ता है बिल्कुल मेरा साफ सुथरा है, कहीं वाटर डैमेज कुछ कटा हुआ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ भी मेरा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, ठीक है, कनेक्टर में भी जो है देखिए मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन हमें कैसे चेक करना है, चेक करने का तरीका क्या होना चाहिए, चेक करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, ये देखिए आपको बोर्ड लगाना है पहले, ठीक है, बोर्ड को लगा लेना है इस तरह से, को लगा लिया है। और मीटर को करना है बजर रेंज पे, और बजर रेंज पे रखने के बाद जो है ये देखिए यहाँ पे इस तरह से चेक करना है कि आपको इन चारों पॉइंटों में क्या बता रहा है, क्या इसमें कुछ रीडिंग आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये फर्स्ट पॉइंट देखें, बीप कर रहा, ये भी बीप कर रहा, थर्ड पॉइंट में कोई रीडिंग नहीं आ रहा,
फोर्थ पॉइंट में रीडिंग आ रहा है, बीप कर रहा है। तो आपको ये समझना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, और ये वाला जो है प्लस है, ये बीच वाला प्लस है, थर्ड नंबर वाला प्लस है, और ये वाला ग्राउंड है। तो मुझे ये पॉजिटिव वाला जो सप्लाई है ये इसमें आना बहुत ही जरूरी है, तभी ये लाइट चलेगा। और यही वाला जो सप्लाई मेरा नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस सप्लाई को हम कैसे चेक करेंगे कि ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव सप्लाई को हम कैसे चेक करते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि हो सकता है कि इसका कोई जो डिस्प्ले का भीतर का जो वायर होता है वो भी खराब हो सकता है, अंदर से जो ट्रैक जाता है वो भी खराब हो सकता है, क्योंकि कनेक्टर तो मेरा बिल्कुल साफ है। तो हम ये चेक करेंगे, जिसमें मेरा सप्लाई नहीं आ रहा वहाँ पे हम इस तरह से देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए फर्स्ट वाला ट्रैक जो ही है इसका पॉजिटिव वाला ट्रैक है, ये देखिए फर्स्ट वाला जो ट्रैक है ये इसका पॉजिटिव ट्रैक है। तो मतलब ये ट्रैक यहाँ से एकदम यहाँ तक आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ट्रैक जो है मेरा खराब नहीं है, ठीक है, ट्रैक मेरा खराब नहीं है डिस्प्ले का। अब क्या है, हमें ये देखना है कि कनेक्टर में मेरा सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कनेक्टर में यहाँ पे हम सप्लाई देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मेरा जो नोजल बहुत मोटा है, तो हम इसको क्या करेंगे इस तरह से चिमटी में, तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं यहाँ कि इसका जो फर्स्ट ट्रैक में अगर आ रहा है, इसका अगर फर्स्ट ट्रैक मेरा जो है यहाँ पे आ रहा है, तो ये मेरा यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट वाला ट्रैक। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला ट्रैक में यहाँ रीडिंग चेक करेंगे कि यहाँ पे मेरा रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये ग्राउंड बता रहा है और यहाँ पे रीडिंग मेरा आ रहा है 660-663 के करीब रीडिंग है। इसको हम अगर लगा लेते हैं, ठीक है, हम इसको लगा लिए, और लगाने के बाद हम एक बार देखते हैं कि यहाँ पे रीडिंग मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए लगाने के बाद रीडिंग नहीं आ रहा। तो हो सकता है दोस्तों कि जो है ये कनेक्टर जो है, ये कनेक्टर हालांकि आंख से देखने में हमें मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है, मैं आपको पूरा जूम करके दिखाता हूँ कि कनेक्टर ये देखिए देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, और इसका जो ये भी कनेक्टर मेरे देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि इसके अंदर कार्बन होगा। देखिए दोस्तों अच्छे से देखें, देखिए जब मैंने जूम करके देखा तब मुझे ये प्रॉब्लम समझ में आया कि देखिए यहाँ पर का जो ये देखिए यहाँ पर का जो ट्रैक है ये वाला, जैसे यहाँ पे गोल्डन कलर का दिख रहा है, यहाँ पे ये नहीं दिख रहा, इस वजह से ये लाइट सप्लाई आगे नहीं दे पा रहा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक जम्पर करना पड़ेगा। हालांकि देखिए दोस्तों मैंने अभी जूम किया तब मुझे दिखा है, ऐसे मुझे भी नहीं दिख रहा था, तो होता है वो नहीं है, खराब हो गया। पेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस तरह से जो है इस पे थर्ड वाले पॉइंट पे जिस पे रीडिंग नहीं आ रहा था उस पे मैंने जम्पर लगाया है, ऑन करके देखते हैं कि ये मेरा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों ये देखिए मेरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये देखिए मेरा डिस्प्ले में जो लाइट आ गया है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं काम करता हूँ, इसी चीज़ से, इसी तरह से आपको ट्रेसिंग करना है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।